अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सत्तार मंदरा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची पोर्ट ग्रैंड। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल जारी है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पोर्ट ग्रैंड के वाइस प्रेसिडेंट काशिफ ग्रामी। आइए आज इसके फेस्टिवल के बारे में इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे इस फेस्टिवल के हवाले से? सारे सिंध से जितने दस्तकार हैं वो सब जमा होते हैं यहाँ पर, और हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट है उनको लेकर आता है यहाँ पे एक जगह पे। 70 से ज़्यादा स्टॉल हैं, और स्टॉल्स के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कराची में वैसे नहीं मिलती, तो लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। और ये ख़ुद बना रहे हैं। अब आप ये मेरे पीछे देखें, ये माई जो है वो चरखा चला रही है जिससे वो कपड़ा बनता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें, हैदराबाद से चूड़ियाँ आई हुई हैं, शक्कर से हमारी बहुत सारी अजरकें आई हुई हैं, बहुत सारे दस्तकारी की चीज़ें। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कराची में लोगों को फैमिली के साथ एक अच्छे माहौल में इस किस्म की क्राफ्ट फेस्टिवल को देखने का मौका मिलता है। सर, ये कितने दिन जारी रहेगा फेस्टिवल? ये 8-9-10 दिसंबर के लिए 3 दिन के लिए था, और आज इसका दूसरा दिन है और कल इसका तीसरा दिन होगा। इसका इफ्तिताह जो है वो CM साहब ने किया, उनके साथ अहमद शाह साहब जो इस वक्त वज़ीर हैं हमारे इतलात के वो भी थे, जुनेद शाह साहब जो कल्चर के मिनिस्टर हैं वो भी थे। तो इन सब ने मिलकर कल इसका इफ्तिताह किया, और कल इसका जो आखिरी दिन होगा उसमें इसको जो एंड सेशन करेंगे वो गवर्नर साहब करेंगे। सर, इसकी क्या प्राइस रखी हुई है या आवाम के लिए फ्री रखा हुआ है? रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन है, ये कल्चर डिपार्टमेंट वालों की तरफ से रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन डेस्क है जो आ रहा है, वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है और पोर्ट ग्रैंड के अंदर आ रहा है। तो इसकी टाइमिंग क्या रखी है? 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, तीनों दिन। कल आखिरी दिन भी यही टाइमिंग है।